बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ईसा इंडस्ट्रियल कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मई वर एज अंडर। कॉस्ट फ्रॉम प्रिसीडिंग डिपार्टमेंट 3,75,000। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से ईसा इंडस्ट्रियल कंपनी ने कुछ यूनिट्स रिसीव किए जिनकी कॉस्ट है 3,75,000। देन ईसा कंपनी में जो कॉस्ट ऐड हुई वो मटेरियल 1 लाख, लेबर 6 लाख एंड फैक्ट्री ओवरहेड 4 लाख रुपीज़। इन तीनों कॉस्ट को ऐड करें तो हमारे पास 11 लाख रुपीज़ यहाँ पर आंसर आता है। इसके बाद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स क्वान्टिटी शेड्यूल। यूनिट्स रिसीव्ड 8,000, यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट 7,000 एंड यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस 1,000। 8,000 यूनिट्स रिसीव किए, 8,000 में से 7,000 यूनिट्स कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र कर दिए और यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हैं 1,000। इसके बाद फर्दर यहाँ पर बताया गया है द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस वॉज 50% ऑफ द यूनिट्स वर 60% कम्प्लीटेड, 30% ऑफ द यूनिट्स वर 40% कम्प्लीटेड एंड बैलेंस ऑफ द यूनिट्स वर 10% कम्प्लीटेड। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उनमें हमें यूनिट स्टिल इन प्रोसेस की कुछ परसेंटेज यूँ बताई जाती कि मटेरियल 50% यूज़ हुआ, लेबर 30% और फैक्ट्री ओवरहेड 20%। ठीक है, डायरेक्टली परसेंटेज हमें बताई जाती। इस क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह बताया गया है कि जो यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हैं उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी 1, 2। ये पार्ट हमारे पास 50% है, ये पार्ट हमारे पास 30% है और बैलेंस ऑफ द यूनिट्स मीन 50 और 30, 80 हो गए, तो 20% रिमेनिंग है, ये हमारे पास 20% होंगे। अब इन पार्ट्स में से भी वो कहते हैं कि 50% ऑफ द यूनिट्स वर 60% कंप्लीट, ये वाला पार्ट 60% कंप्लीट है, 50% वाला पार्ट 60% कंप्लीट है। इसके बाद 30% वाला पार्ट 40% कंप्लीट है एंड रिमेनिंग जो 20% है वो 10% कंप्लीट है। क्लियर? तो इसकी बेस पर हमने यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन ऑफ एवरी डिग्री ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट करनी है। जो हमारे पास परसेंटेज आएगी वो हमने मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड पर इक्वली चार्ज करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं क्वांटिटी शेड्यूल। यूनिट्स रिसीव्ड, एट थाउजेंड, यूनिट्स ट्रांसफर्ड 7,000 एंड यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस 1,000। लेकिन यहाँ पर हमें परसेंटेज नहीं मालूम कि मटेरियल कितना यूज़ हुआ, लेबर कितना यूज़ हुआ और फैक्ट्री ओवरहेड कितनी यूज़ हुई। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, हमें एवरेज दी गई है तो यहाँ पर 50% यूनिट्स 60% कंप्लीटेड, 50% 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 60% कंप्लीटेड, तो 60 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। क्लियर? इसके बाद
30% units, 40% completed. 30 divided by 100 multiply 40 divided by 100. यूनिट्स की जो परसेंटेज होगी उसको हमने कंप्लीशन के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, और जो रिमेनिंग है हमारे पास 20%, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10% कंप्लीटेड, 10 डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे इनको, 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 100 0.3। देन 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100 0.12। लास्ट 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 0.02। अब इन तीनों को हमने ऐड कर देना है, प्लस 0.12 प्लस 0.3, टोटल हमारे पास यहाँ पर आएगा 0.44। इसको हमने परसेंटेज के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास परसेंटेज आएगी 44। ठीक है, जो यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हैं हमारे पास वो 44% कम्प्लीटेड हैं एज टू मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों की परसेंटेज हमने यहाँ पर सेम लेनी है। मटेरियल, लेबर एंड FOH 44%। दोनों को ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पर 8000 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट, एंड यहाँ पर लिख देंगे टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स received from preceding department, preceding department से जो cost वसूल की वो है 3,57,000, sorry 75,000, 3,75,000। इसके बाद cost added by department, जो इस डिपार्टमेंट में कॉस्ट आई हमारे पास, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं मटेरियल, देन लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल की कॉस्ट 1,00,000 रुपीस, लेबर 6,00,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड 4,00,000 रुपीस। अब यहाँ पर हमने पर यूनिट कॉस्ट इनकी फाइंड आउट करनी है। पर यूनिट कॉस्ट का फार्मूला होता है हमारे पास टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट हमारे पास 3,75,000 और यूनिट्स हमारे पास 8,000, तो इनको डिवाइड कर देंगे 3,75,000 डिवाइडेड बाय 8,000। पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आएगी 46.875। इसके बाद मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। मटेरियल की टोटल कॉस्ट हमारे पास गिवन है, लेकिन टोटल यूनिट्स हमारे पास गिवन नहीं है कि कितने यूनिट्स में मटेरियल यूज हुआ। तो इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। फॉर्मूले होते हैं हमारे पास यूनिट्स ट्रांसफर प्लस यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस
मल्टीप्लाई बाय रेट, यूनिट ट्रांसफर है हमारे पास 7000 प्लस यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 1000 मल्टीप्लाई परसेंटेज हमारे पास 44 है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 100, 440 प्लस 7000, 7440 यूनिट्स। 7440 यूनिट्स में मटेरियल भी यूज़ हुआ, लेबर भी यूज़ हुआ एंड फैक्ट्री ओवरहेड भी यूज़ हुआ, क्योंकि हमारे पास तीनों की यहाँ पर परसेंटेज सेम ही होगी। क्लियर। अब मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 7440। इसके बाद लेबर 6 लाख डिवाइडेड बाय 7440। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कॉस्ट 4 लाख डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 7440। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, 1 लाख डिवाइडेड बाय 7440, हमारे पास यहाँ पर मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आएगी 13.44086022। 6 लाख डिवाइडेड बाय 7440 80.64516129। 4 लाख डिवाइडेड बाय 7440 53.763440086। ठीक है, तीनों की पर यूनिट कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर दी। इनको अब यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल के सामने 13.44086022। लेबर की 80.64516129 एंड लेबर की हमारे पास 53.763440086। ठीक है, अब दोनों को हमने ऐड कर देना है। सबसे पहले कॉस्ट को ऐड करते हैं, 375000 प्लस 1 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख, टोटल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर आएगी 14 लाख एंड 75000। पर यूनिट कॉस्ट को ऐड करते हैं, 46.875 प्लस 13.44086022 प्लस 80.64516129 प्लस 53.763440086। हमारे पास यहाँ पर टोटल पर यूनिट कॉस्ट आई 194.724624। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कॉस्ट काउंटेड फॉर एज फॉलोस। ठीक है, सबसे पहले जो यूनिट्स ट्रांसफर हुए उनकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास यूनिट्स ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाई बाय टोटल पर यूनिट कॉस्ट। यूनिट्स ट्रांसफर्ड हमारे पास 7000 मल्टीप्लाई टोटल पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास 194.724624। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 7000 के साथ, हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आई 1,36,000
सॉरी 13,63,071.237। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस में मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, लेबर की कॉस्ट कितनी है एंड फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट, वो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला होते हैं हमारे पास यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 1000 मल्टीप्लाई परसेंटेज 44 हमने कैलकुलेट की, 44 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास 13.44086022 1000 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 13.44086022। हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 5,913.978497। इसके बाद लेबर की कॉस्ट मालूम करते हैं यूनिट स्टिल इन प्रोसेस में। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज तीनों की सेम है, मल्टीप्लाई बाय लेबर की पर यूनिट कॉस्ट 80.645161129। 1000 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 80.645161129 35,483.87097। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 1000 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट्री ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट 53.763440086 मल्टीप्लाई 53.763440086 23,655.91398। क्लियर। एंड लास्ट वन हमारे पास यूनिट स्टिल इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 46.875। 1000 मल्टीप्लाई 46.875 46,875। अब इन कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे प्लस 23,655.91398 प्लस 35,483.87097 प्लस 59,513.978497 1,11,928.7634। इसमें अब हमने ये वाली कॉस्ट ऐड कर देनी है 13,63,071। हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 14,74,999। इसको हम राउंड अबाउट कर दें तो ये हमारे पास 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14,75,000 हो जाएगा। आंसर हमारे पास इक्वल हो गया 14,75,000। ठीक है, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट 14,75,000 एंड कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस 14,75,000। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया।